अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें वीडियो में बताने लगा हूँ एटीएम मशीन ये कैसे वर्क करती है, इसका फुल प्रोसेस। हम तो सिंपली एक कार्ड इंसर्ट करते हैं तो पासवर्ड डायल करके तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन कैश को डिपॉजिट करवा लेते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसके अंदर क्या क्या मौजूद है चीज़ें, मैं आपको फुल आपको समझाऊँगा किस तरह से ये वर्क करती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब अगर हमें एटीएम मशीन के अंदर देखें, फर्स्ट पे आता है ये कैश, दूसरे पे आता है एनालाइज, तीसरे पे आता है जहाँ से कैश हम मशीन से बाहर निकलता है। जब कैश हमेशा इतनी ज़्यादा सेफ जगह पर मौजूद होता है, ये देख सकते हैं ये फर्स्ट पे आप स्क्रीन है, ये जैसे ही हम कार्ड इंटर करते हैं, पासवर्ड डायल करने के बाद एंटर जब करते हैं उसके बाद हमें पासवर्ड पूछता है, पासवर्ड दबाने के बाद पासवर्ड डायल करने के बाद हमें फिर ट्रांजेक्शन जितनी भी लेनी होती है वो आ जाती है, पेमेंट साथ ये हमें रिसीट भी मिल जाती है। अगर इसके अंदर देखिए बहुत ही ज़्यादा मोटी लोहे की ये परत होती है जिसके पीछे कैश वगैरह बहुत ही ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है। ये सिंपली देखें, मैंने कार्ड इंटर किया मुख्तलिफ कार्ड्स, जैसे ही कार्ड इंटर करेंगे ये ब्लैक पट्टी जो सी आप क्रेडिट कार्ड की बैक साइड पर देखते हैं वो मौजूद होगी। ये इसे एनालाइज करेगी क्या ये ओरिजिनल है या फेक बनाया हुआ है, अगर फेक होगा तो अंदर की तरफ चले जाएगा, अगर आईडी कार्ड क्रेडिट कार्ड असली होगा तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। जैसे ये पासवर्ड हम एंटर कर देंगे तो फिर दोबारा एनालाइज करना शुरू हो जाएगा, जब एनालाइज होने शुरू हो जाएगा, जब अप्रूव मिल जाएगा ये ओरिजिनल है तो ये जीपीआरएस की मदद से आपके बैंक के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसे बैंक से इंफॉर्मेशन लिखता है इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसके बाद ये आपको पैसे दे देते हैं। ये वो बॉक्स है जो ट्रे हैं जहाँ मनी पैसे मौजूद होते हैं, ये मुख्तलिफ पैसों की रेंज होती है जिसमें पाकिस्तान में तो मिलते हैं 500 हज़ार 5000 के, अदर कंट्रीज़ में ऑर्डर भी होते हैं जो उनसे जैसा कि उधर यूएसए में डॉलर्स 100 डॉलर 10 डॉलर का मौजूद होता है, जबकि पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर कंट्री के अलग-अलग रेट्स होते हैं जिससे मौजूद होते हैं आपके पैसे। ये देख सकते हैं जब हम पैसे ले निकलवाते हैं मुख्तलिफ पैसे की, हम कभी कभी हम 15,000 भी निकलवा लेते हैं, कभी कभी हम 50 भी निकलवा लेते हैं, यही मुख्तलिफ रेट्स होते हैं 5,000 के किसी ट्रे में से निकल के आने होते हैं और 500 के किसी ट्रे में से 5,000 के किसी में से, इसीलिए वो अलग-अलग ट्रे से आके हम तक ये पैसे पहुंच जाते हैं तो फिर हम इसे पकड़ लेते हैं। ये बहुत ही तेज़ी के साथ पैसे को काउंट करती है, जैसा कि ये देख सकते हैं सबसे पहले अगर आप 20 रुपये है ये तो ये 20 आप तक मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के आप तक पहुँचेंगे, बहुत ही तेज़ी के साथ ये काउंट करती है पैसों को, अगर ये काउंट करना बंद कर दे तो आपकी ट्रांजैक्शन आप तक नहीं पहुंच सकेगी टाइम पर। अगर इसके अंदर देखें, ये देख सकते हैं आप पैसों के बैग्स ट्रेज मौजूद होती हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया ये सारा प्रोसेस ये रुक गई, अगर जब रुक जाए तो फिर पैसे नहीं बाहर आ सकते, ये देख सकते हैं जैसा कि ये पैसे आ गए। पासवर्ड एंटर करने के बाद ये हम मुख्तलिफ बिल्स की अदायगी भी कर सकते हैं, ये रसीद भी आ जाती है हमें इसके साथ हमारी ट्रांजैक्शन कितने पैसों की हैं और बाकी कितने रह गए हैं। दुनिया में सिर्फ 1939 में ही फर्स्ट एटीएम खुला था न्यूयॉर्क में, अब दुनिया भर में एटीएम मौजूद हैं, एटीएम मशीन्स जिसका फुल फॉर्म है ऑटो टेलर मशीन। जैसा कि इसे हम ओपन करें तो इसकी बहुत बड़ी की होती है जिसके बैक में ही पैसे की तमाम बॉक्स ट्रेज मौजूद होती हैं, फिर आप सोचना शुरू हो जाएंगे हो रहे हैं कि बैंक चोरों का काम तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, चुटकी से इसे बांधे एटीएम मशीन को उठा के ले गए, ऐसा नहीं है, हर ट्रे के अंदर एक इंक पैकेट भी मौजूद होता है, अगर चोर इसे लेके जाने की कोशिश करे तो इंक निकल जाएगी, निकलने से सारा एटीएम मशीन के पैसों पे इंक निकल आएगी इंक से, और इसके अंदर एक जीपीआरएस भी लगा होता है जिसकी मदद से बहुत ही आसानी के साथ ये ट्रैक हो सकता है। कभी भी इसे चोरी करने की कोशिश मत करना जिससे आपको जेल भी हो सकती है क्योंकि यार ट्रैक हो जाएगा। सिंपली आपको तो करना कुछ यूँ चाहिए कि आप पैसे सिंपली निकलवाएं, चोरी करने की कोशिश मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और रिस्की है, ये सिर्फ बैंक के ऊपर ही छोड़ दें, पैसे निकलवाएँ आप, पैसे जमा करवाएँ बस, इसके अलावा आप कुछ ना करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल का ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।